हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो, परफेक्ट हो। आज के इस वीडियो में हम लाइव विड्रॉ करने वाले हैं राइट से, और बहुत सारे मेथड्स हैं। आपने देखा होगा बैंक अकाउंट भी है, क्रिप्टो वॉलेट्स भी है। तो कौन सा मेथड आपके लिए बढ़िया रहेगा अभी के टाइम पे? क्योंकि आपको पता है अभी के टाइम पे इंडिया में क्या सीन चल रहा है। RBI का जो नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर आई थिंक मैंने बताया हुआ है, जाके आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अभी के टाइम पर सेफ नहीं है, ठीक है? जो लोग बोलते हैं कि फॉरेक्स इलीगल है, काफ़ी सारे लोग इन दिनों हमारे पास मैसेज आते हैं कि फॉरेक्स इलीगल है लेकिन प्रॉफर्म्स लीगल है, उससे जो पेआउट्स आते हैं वो 100% सेफ है, वो लोग बिल्कुल ही गलत बोलते हैं आपको। क्योंकि रिसेंटली हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, अगर आप राइट से करते हो या फिर डेल से करते हो, अगर आपने डायरेक्टली ऑनलाइन बैंक से ले लिया, हो सकता है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। ऐसा नहीं कि 100% सारे अमाउंट स्कैम ही होता है, स्कैम नहीं होता है सारे अमाउंट, कुछ अमाउंट स्कैम होते हैं जिसके वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, राइट? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, सारे मेथड्स के ऊपर पूरा डिटेल में बताने वाले हैं किस तरीके से आप कौन सा मेथड आपके हिसाब से सही रहेगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ PC में, एक तो लाइव विड्रॉल करेंगे और साथ ही साथ सारे मेथड्स के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए PC देख सकते हो, मैं राइज प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। एक बार मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा अभी अपन यहाँ पे वेट करते हैं, पता नहीं मेरा नेटवर्क इशू होगा। तो यहाँ पे गाइज देख सकते हो $435 यहाँ पे आपके सामने है, जो कि FXCFI की तरफ से आ चुका है। प्रीवियसली भी मैंने जो रिसेंट वाला वीडियो था, आई थिंक मैबेन प्रॉफर्म के ऊपर मैंने जो रिव्यू वीडियो डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे गाइज देख सकते हो FXCFI की तरफ से हमें रिसीव हुआ है, आज ही रिसीव हुआ है August 6, 2024 को। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल रिसीव $435 है। तो अभी अगर हम विड्रॉ करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कई सारे ऑप्शंस है, लाइक आप कॉइन बेस से यहाँ पे ले सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, ब्लॉकचेन वॉलेट में ले सकते हो। वन बाय वन मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ, फिर अपन लाइव विड्रॉ करेंगे, सही है? तो भाई पहले बात करते हैं बैंकिंग मेथड के ऊपर। जैसे ही आप सभी को पता है अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल KYC वगैरह कर लेना है। करने के बाद आप अपना IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और कौन सा कंट्री देने के बाद आपको पे आउट आ जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मैच तो मैक्स 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो पैसा सेफ है, कौन से गेटवे से आ रहा है? अभी आप सब लोग बोलोगे कि भैया राइट्स तो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, राइट्स तो बाहर कंट्री से ऑपरेट हो रहा है, तो इंडिया में ये लोग कैसे दे रहे हैं? सिंपल भाषा में बोला जाए, कोई एक गेटवे को पकड़ लो, लाइक इंडिया में कोई एक गेटवे प्रोवाइडर है, पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है, लाइक रिजर्व पे हो गया, पेयू मनी वगैरह हो गया, तो वो लोग क्या होते हैं कि ट्रस्टेड होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रिजर्व पे पेयू के साथ उन लोगों का कांटेक्ट नहीं रहता है। अगर आप लोगों ने विड्रॉल किया है तो आप सभी को पता है कि कौन से नाम से पे आउट आता है यहाँ पे। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी एक नॉर्मल सा गेटवे को पकड़ते हैं जिसके पास हो सकता है कोई बेटिंग का क्लाइंट हो। बेटिंग कंपनी में आप सभी को पता होगा कि 90% स्कैम अमाउंट ही होता है, भी किसी को लूट लो, उसी का पैसों से आके बेटिंग साइड में डिपॉजिट कर दो, फिर उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करा लो। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं चेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? मतलब अभी कोई, मैं एक स्कैमर हूँ, मैं क्या किया यहाँ पे कि कोई बेटिंग एप्लीकेशन पे मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया, रजिस्टर करने के बाद मैंने वहाँ पे ₹10,000 डिपॉजिट कर दिया। अब जो गेटवे लगा है, ये पेमेंट गेटवे का लगा है, कोई भी पेमेंट गेटवे का लगा है, वो गेटवे यहाँ पे राइस को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया, फिर अभी मान के चलो किसी ने राइस से विड्रॉल कर रहा है तो उसी के अकाउंट में वो पैसा जा रहा है, तो इस तरीके से ही काम करता है। अब भैया जिसके साथ स्कैम हुआ है वो गया है पुलिस स्टेशन की, भैया इस बंदे ने मेरे से ₹10,000 लूट लिया। अब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भैया ये पैसे कहाँ कहाँ, मतलब कौन से सोर्स से जा रहा है। अभी फर्स्ट गया मेरे पास, मतलब मैं स्कैमर था, मैंने क्या किया इस बेटिंग कंपनी को भेजा, बेटिंग कंपनी ये जो सर्विसेज लाके प्रोवाइड करते हैं ये किसी पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे से, अब ये पेमेंट गेटवे ने क्या किया कि राइज वालों को दे दिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पूरा चेन सिस्टम होता है, मतलब मैंने पेमेंट किया, पेमेंट गया सामने वाले को, सामने वाले ने मुझे भेजा या फिर और किसी को भेजा, तो इस तरीके से काम करता है। घुमा फिरा के यही बात है भैया कि अभी के टाइम पे अगर आप फॉरेक्स में काम करते हो या फिर प्रोफर्म्स में काम करते हो तो आपके लिए क्रिप्टो बेस्ड मेथड है। अभी ये मेथड्स को यूज करोगे तो आपके अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि 100% आपका ही अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। देखो 100% अमाउंट स्कैम का नहीं होता है, तो किसी किसी का अकाउंट फ्रीज हो जाता है, किसी किसी का नहीं होता है, जो कि मैंने प्रीवियसली रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाया था, आप जाके कमेंट्स चेक कर सकते हो। कई सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज हुआ है, कई सारे लोगों का कि भैया मेरे पास पेमेंट आ गया, 3 दिन के बाद मुझे बैंक वालों से कॉल आ रहा है, तो यही चीज़ें हैं। तो इसलिए
क्यों भैया लफड़ा हमें क्यों पड़ना है, अभी ये हमें पता है कि भैया इस अमाउंट आने के बाद मेरे अकाउंट में थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा हो सकता है, तो क्यों इतना हम रिस्क लेंगे। तो भैया इसीलिए बेटर है आप क्रिप्टो मेथड यूज़ करो। और साथ साथ अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भैया क्रिप्टो तो ले लेंगे लेकिन सेल कहाँ पे करेंगे, आपके पास कोई क्रिप्टो बायर नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोफर्म से $1,000 पे आउट ले रहे हो, अब लेने के बाद उसको तो सेल करना है ना, अपने बैंक में पैसा चाहिए ना, अपने पास तो पैसा होना चाहिए ना। अब देखो अगर आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, के टाइम पे तो हर जगह स्कैमर्स भरे पड़े हुए हैं, अगर आप चाहते हो तो हमारे P2P ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे कम्प्लीटली जेन्युइनली और सेफली ट्रांजेक्शन होता रहता है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग चेकआउट कर लेना। अभी चलिए मैं लाइव विड्रॉल करूंगा USDT में और देखते हैं कितने टाइम में आ जाता है। अगर आप लोग भी USDT में या फिर कोई भी क्रिप्टो से विड्रॉल करना चाहते हो तो किस तरीके से आप लोग विड्रॉ कर सकते हो, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ PC में और लाइव विड्रॉ करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं राइज डैशबोर्ड में, तो सिंपल अभी क्लिक करते हैं भैया विड्रॉल पे। विड्रॉल पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, पता नहीं क्या नेटवर्क का कोई एरर वगैरह कोई इशू है। तो यहाँ पे देख सकते हो बैंक ट्रांसफर आ गया, बाकी USDC ऑन कॉइन बेस है। अगर आपके पास कॉइन बेस वॉलेट है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कनेक्ट करके विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी न्यूली साइन अप वगैरह कर रहे हो तो KYC में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अगर एक बार KYC हो रहा है तो बार बार KYC मांग रहा है, और साथ ही साथ KYC बहुत बार फेल्ड भी हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों का हमारे पास जो क्वेरीज आता है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, मेरा तो पुराना अकाउंट है। यहाँ पे बैंक ट्रांसफर आ गया और बाकी ब्लॉकचेन वॉलेट है जो कि आज की इस वीडियो में इसी से ही विड्रॉ करने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो आर्बिट्रम का USDC है, USDT है, बाकी अदर टोकन्स भी है, और बाकी इथरम का यहाँ पे मेनेट का देख सकते हो USDC है और USDT भी है। और यहाँ पे फीस लगता है गैस फी प्लस $2.50, जो कि क्यों करना है भैया इंस्टेंटली छोड़ के क्यों इधर और ज़्यादा क्या बोल सकते हो फीस दे। तो आज के इस वीडियो में हम विड्रॉ करने वाले हैं आर्बिट्रम USDT पे, तो इस पर अभी हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करूँ ऊपर देख सकते हो इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल आ गया। यहाँ पे आपको नेम ऑफ एक्सचेंज और वॉलेट प्रोवाइड, एग्जाम्पल अभी अगर आप बाइनांस यूज़ कर रहे हो इसको विड्रॉ करने के लिए तो यहाँ पे आपको बाइनांस टाइप करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं विड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे बिटगेट के ज़रिए, तो यहाँ पे अभी हम टाइप कर देते हैं बिटगेट। तो इस तरीके से आप जो भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है भैया आर्बिट्रम एड्रेस डाल दो करके। अभी आपको क्या करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे थोड़ा सा अभी अपन यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग होके आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली क्रोम में ओपन कर रहे हो, अगर आप बिटगेट यूज़र हो, अगर आप डायरेक्टली ओपन कर रहे हो तो नहीं ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो ओपेरा मिनी आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड VPN वगैरह आता है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रहा है तो बाहर का नेटवर्क तो एक तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सही है। और मैं रिकमेंड इसको नहीं करता हूँ अभी के टाइम पे, काफ़ी सारे लोग अभी बिटगेट को यूज़ करने लग जाएंगे तो ये चीज़ें नहीं करना अभी के टाइम पे, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी चूज़ ए नेटवर्क, यहाँ पे अपन सर्च करते हैं भैया आर्बिट्रम कहाँ गया, तो ये आ गया। तरीके से आपको नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है आर्बिट्रम, करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो चुका है, कॉपी होने के बाद यहाँ पे आर्बिट्रम एड्रेस पे चलते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट हमने कर दिया, पेस्ट करने के बाद ऐड वॉलेट पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो नीचे लोडिंग हो रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा अभी अपन यहाँ पे वेट करते हैं। मे भी कोई नेटवर्क इशू है, नहीं अभी ये देख सकते हो आर्बिट्रम एड्रेस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो अभी हम भैया क्लिक करते हैं अमाउंट टू विड्रॉ, मैक्स पे क्लिक करते हैं। नीचे देख सकते हो फीस वगैरह कितना ये लोग ले रहे हैं, ज़्यादा कोई फीस भी नहीं है। अगर आपको चेक करना है, काफ़ी सारे लोगों के मन में थोड़ा सा डर रहता है, तो यहाँ पे आप $10 विड्रॉ करके चेकआउट कर सकते हो, सही है। करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे सिक्योरिटी की आपने दे के रखा होगा तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, राइट। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो हमने पासवर्ड वगैरह दे दिया है, मैंने भूल गया था, अब इसको रीसेट करने के बाद ही अभी मैं पासवर्ड दे दिया। आप लोग भी पासवर्ड भूल गए हैं तो आपके पास वो सारे कीवर्ड्स होने चाहिए तभी जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो भैया गया, ठीक है। तो अभी कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, अभी देख सकते हो प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा अभी 1-2 सेकेंड यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग हो चुका है, अभी एक बार मैं यहाँ पे भी आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो डिपॉजिट हिस्ट्री, जो लास्ट ट्रांजेक्शन था 195 का था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 195 का लास्ट ट्रांजेक्शन था। अभी मैं एक बार रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा अभी लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ट्रांजेक्शन 195 का ही है।
यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ से सक्सेस हो चुका है। तो थोड़ा सा अभी अपन यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे अभी एक काम करते हैं, स्टेटस भी देख लेते हैं। यहाँ टाइम आप देख सकते हो 7:38 को हमने रिक्वेस्ट लगाया है। यहाँ पे अगर मैं टाइम आपको दिखाऊँ तो अभी 7:39 हुआ है। तो एक बार यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं, इंस्टेंट प्रोसेस हो गया। यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं दिखाऊँ 434.7934050 यहाँ पे अभी हमें रिसीव हो चुका है। अभी आप देख सकते हो हमने लाइव विड्रॉल आपके सामने किया और जैसे ही अभी हमारे बिटगेट वॉलेट में आ चुका है। अभी अगर आपको यहाँ पे देख सकते हो जीरो भी हो गया अभी ये टाइम पे। अभी अगर आपको इसको सेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा P2P ग्रुप अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, नहीं तो आप अबाउट अस पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो छोटा सा लाइक कर देना और फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।